हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ आर एस अग्रवाल बुक ऑफ क्लास 8, दैट इज पैरेललोग्राम, दैट इज चैप्टर नंबर 16. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर पैरेललोग्राम, ए क्वेश्चन शुड बी अराइज इन द माइंड दैट व्हाट इज द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम होता क्या है? तो ये क्लियरली दिमाग में होना चाहिए कि पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी वो पैरेललोग्राम होगा. ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है तो इसकी ये दोनों अपोजिट साइड्स हो गई, ये इसके अपोजिट साइड. यानी एरो से हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में अपोजिट साइड्स क्या है, इसकी पैरेलल है. देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द पैरेललोग्राम लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, rhombus. These are the type of parallelogram. Now we have to understand the features of parallelogram. So we have to understand their opposite angles are equal. इनके opposite angles क्या होते हैं? आपस में equal होते हैं. ठीक है? और mostly इन सारे में अगर हम चेक करें तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है. जैसे अगर रेक्टेंगल हम बना लेते हैं तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि उसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है. वहीं स्क्वायर में भी देखेंगे तो स्क्वायर में भी उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. यहाँ अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, साथ साथ इनकी ऑल साइड्स इक्वल होती है. ठीक है, रोम्बस में अगर देखते हैं, रोम्बस, ठीक है, तो रोम्बस में क्या होता है, उसकी अपोजिट साइड से इक्वल है. ये उसकी अपोजिट साइड है, ये उसकी अपोजिट साइड है. यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. यानी हम आसानी से कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम उसको कहेंगे जहां उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, उनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी. और साथ में ही एक और फीचर बता देना हूं जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, अगर पैरेलल लाइन है उसको कोई लाइन ट्रांसवर्स करती है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होगा. यानी इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा. यहां तक क्लियर हो गया है सबको? अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे, क्योंकि चैप्टर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसलिए मुझे सारी चीजों को क्लियर करना जरूरी था. क्वेश्चन नंबर वन में दिया है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम. तो यहां लिख लेते हैं ABCD is a parallelogram. अब मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा, डबल लाइन खींच के GM लिख दो, वो हो गया parallelogram. ठीक है, इसमें कह रहा है कि एंगल A is equal to 110 डिग्री, तो एंगल B की वैल्यू हमको पता करनी है, एंगल C की वैल्यू पता करनी है और एंगल D की वैल्यू पता करनी है. तो ठीक है भाई, एक parallelogram बना लो, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा क्लियर. तो पैरेललोग्राम की खासियत क्या होगी? पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी. ठीक है, तो ये पैरेलल हो गए. ठीक, और एक और खासियत मैंने बताई थी कि उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो ठीक है, एक अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये एक अपोजिट एंगल है और ये इसका ए, जो ए का अपोजिट एंगल क्या होगा? सी होगा. यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी क्यों होगा? यहां लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ ए. ठीक है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 110 डिग्री. अब कह रहा है भाई सी का तो निकाल लिया, बी और डी का भी निकाल लेंगे. अब ये हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ एंगल बी. ठीक है, बी के इक्वल डी है तो सबसे पहले बी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे अब देखते हैं. मैंने ये कहा था कि ये दोनों एंगल ये क्या होंगे, ये एडजेसेंट एंगल है.
ठीक है, एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल टू, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिख दो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू तो हमको पता है कि 110 डिग्री है, तो एंगल बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, आ कितना गया हमारा 70 डिग्री। यानी एंगल बी की वैल्यू हमको मिल गई 70 डिग्री। तो अगर एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है तो बी और डी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अब हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क मिटाओ, 70 डिग्री लिखो, सी की वैल्यू 110 डिग्री मैंने अभी यहाँ लिखी है, 110 डिग्री हो गया। और एंगल डी जो है वो अभी मैंने फाइंड आउट किया क्योंकि बी और डी आपस में इक्वल है, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ये हमारा आंसर हमें मिल गया, इसको कॉपी कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू पे कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, ईच ऑफ दीज एंगल। तो सबसे पहला काम करो कि आसान तरीका है कि पहले तो पैरेललोग्राम बना लो। अब पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, नेमिंग कर दो ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी अगर हमारा पैरेललोग्राम बना तो यहां हमें दिखाना पड़ेगा कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है, तब ये समझ में आएगा पैरेललोग्राम। अब ये कह रहा है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल आसान तरीका बता रहा हूं याद करने का, याद कर लो उसका पड़ोसी वाला, ठीक है। तो इसका पड़ोसी, तो ए का पड़ोसी क्या होगा, या तो डी होगा या बी होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ए और बी आपस में पड़ोसी हैं, ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो ये कहता है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और ऊपर क्या दिया है कि उसके दोनों एडजेसेंट एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। यानी कि हम मान सकते हैं यहां पे कि लेट द एंगल, सॉरी एंगल ए, ये नहीं होना चाहिए, एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंगल ए बी एक्स, ठीक है। तो अब अगर एंगल ए एक्स मान लेते हैं तो एंगल ए एंड बी आर इक्वल, सो ये लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एंगल ए और बी आपस में इक्वल है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, ये है को इंटीरियर एंगल। कहीं कहीं इसको दिया होगा कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो दोनों ए और बी आपस में इक्वल है, यहां दे दिया, और ए की वैल्यू एक्स है तो बी की वैल्यू भी एक्स हो जाएगी, यानी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स प्लस एक्स, अलजेब्रा में पढ़ा है कि अगर लाइक टर्म्स होते हैं तो वो दोनों आपस में एड हो जाते हैं, अगर कोई नंबर नहीं है तो उनके आगे वन रख लो, तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, अपोजिट जाके डिवाइड करेगा, आ गया 29 जा 8, 18 एंड 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही फाइंड आउट करना था, हमारा फाइंड आउट हो गया, अब इसको कॉपी कर लो। Now question number third. It is telling that two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. Find its measure of each of its angle. एक सिंपल सा है कि एक parallelogram है, उसके adjacent यानी पड़ोसी जो उसके angles हैं वो 4:5 में दिए हुए हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी कोई चीज रेशियो में दी हो तो ये समझ जाओ कि वो कभी कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। उसका एक रीजन है कि कोई ना कोई कॉमन पार्ट रहा होगा जिससे उसको डिवाइड करके उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है और ए और बी जो है वो एडजेसेंट एंगल है, मानना नहीं है यहाँ पे,
या मानना है, मानना ये है कि ये भी एक पैरेललोग्राम है, बाकी एडजेसेंट एंगल तो है ही, ठीक है। ए और बी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। इसमें मैंने बताया था कि कोई ना कोई कॉमन पार्ट रहा होगा जो इसमें से डिवाइड किया गया होगा, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल तुमको दिखा देता हूँ, 2/4 को क्या हम लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। तो ये जो हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो रेशियो जब भी लिखा जाता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए इसका कोई ना कोई कॉमन पोर्शन रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट द कॉमन पोर्शन बी एक्स। अगर कॉमन पोर्शन को एक्स मान लिया जाए तो नया रेशियो उनका क्या बन जाएगा? देन न्यू रेशियो, नया रेशियो नहीं है, वही है, बस इसमें क्या करना है, दोनों टर्म में हमें एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 4x और रेशियो 5x। तो मान लेते हैं ए की वैल्यू 4x है और बी की वैल्यू 5x है, यही ना एडजेसेंट एंगल है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बिकम्स 180 डिग्री, यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं यहां क्या लिखूंगा? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ए कितना है? 4x, और एंगल बी कितना है? 5x, ये 180। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने एडिशन किया है, यहां भी करते हैं। 4 + 5 = 9x = 180 डिग्री, या 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, अपोजिट साइड जाके डिवाइड करेगा, यानी x is equal to 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9। 9 2s are 18 and 0, तो ये हो गया x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, ठीक है। अब एंगल a की वैल्यू निकालते हैं। एंगल a की वैल्यू कैसे निकलेगी? एंगल a is equal to 4x दिया हुआ है, तो यानी कि 4 मल्टीप्लाइड विद 20 डिग्री हम कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब एंगल बी को देखते हैं, तो एंगल बी का है 5x, ठीक है। तो 5x यानी कि 5 मल्टीप्लाइड विद 20, ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड विद 20 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री। अब अगर चेक करना है कि सही है या गलत है तो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करते ही 180 आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू सही है। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 4 डिग्री एंड 2x प्लस 16 डिग्री एंड इट इज टेलिंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। तो मैंने एडजेसेंट एंगल को याद रखने का आसान उपाय बताया था, पड़ोसी उसका एंगल। तो सबसे पहला काम करो कि एक पैरेललोग्राम बना लो। फर्स्टली वी विल प्रिपेयर पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी ए डी बी सी के पैरलर, और ए बी जो होगा वो डी सी के पैरलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल, तो ए और बी उसके एडजेसेंट एंगल है। तो मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 3x माइनस 4 डिग्री है, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है? 3x प्लस 16 डिग्री है, ठीक। अब कह रहा है कि इन दोनों की वैल्यू पता करिए। तो मैंने पहले ही क्लियरली कहा था कि जब भी एडजेसेंट एंगल्स दिए होंगे तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि उन दोनों का सम जो है 180 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एंगल ए जो होगा और एंगल बी जो होगा, इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल शॉर्ट फॉर्म में मैंने कर दिया, ठीक है। तो ए की वैल्यू मैंने क्या रखी है? 3x प्लस 4 डिग्री, सही है ना, गलती है, 3x माइनस 4 डिग्री मैंने रखा है। अब प्लस यहां हो जाएगा 3x प्लस 16 डिग्री, ठीक, और इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 180, ठीक। अब ओपन कर दो ब्रैकेट, 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, यानी 3x प्लस 3x प्लस 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 6x प्लस
16 में से 4 चला गया 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां मैं थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, यानी हमारा है 6x, तो अब यहां 12 क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था, तो दूसरा साइड क्या करेगा, सबट्रैक्शन करेगा, तो 180 डिग्री माइनस 12। अब 10 में से 2 गया 8 आ गया, 7 में से 1 गया 6 आ गया, 168 इज इक्वल टू 6x। अब क्या आ गया, x से 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी 168 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12, 4 रिमेंड, 6 8 जा 48, ये कितना आ गया 28 आ गया। अब हम ये कर सकते हैं, x की वैल्यू अगर 28 है, हमको ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x कहा है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया। अब कह रहा है कि 3x minus 4 और 3x plus 16 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये देखो 3x minus 4, तो अब ये हो जाएगा 3 multiplied by 28 minus 4, तो 28, 3 8 जा 24, 2 remain as a carry, 3 to the 6 to 8, 84 minus 4 is equal to 18 degree। अब तो ये एक मिल गया, तो दूसरा वाला अपने आप आ गया कि दोनों का सम 180 आ रहा है, तो ये हो गया 180 है, तो दूसरा वाला 100 होगा, ठीक है। लेकिन हम यहां सॉल्व कर देते हैं 3x plus 16, तो ये देखो 3 multiplied with 28 plus 16, तो ये हो गया 84 plus 16 is equal to 100 degree। ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। अभी तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, सो फाइंड आउट द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। सबसे पहला काम करो कि पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है। ये बड़ा सा मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, जिसकी नेमिंग भी कर दी मैंने ए बी सी डी, तुम जो चाहे वो नेम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि इसके अपोजिट एंगल्स, तो मान लेते हैं कि ए एंगल दिया हुआ है, ए का अपोजिट क्या हुआ, सी हुआ, क्योंकि डी और बी तो उसके पड़ोसी हो गए, तो सामने वाला घर कौन सा हुआ, तो सी वाला हुआ ना। यानी ये कह रहा है कि एंगल ए और सी का जो सम है वो 130 डिग्री हो रहा है, यानी 130 डिग्री हो रहा है, तो हमको क्या करना है, सारे एंगल्स का सम पता कर, सारे एंगल्स की वैल्यू पता करनी है। अब हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम, अगर कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अब क्या करना है, हमको पता तो है नहीं कोई भी एंगल, तो हम क्या करेंगे, मेजर एज्यूम करेंगे, तो लेट द एंगल ए बी एक्स, एंगल ए क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो अगर एंगल ए एक्स है, तो एंगल सी बी क्या हो जाएगा, हमारा एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों का सम जो है 130 डिग्री है, तो ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। भाई कहां से मिला, ये गिवन था, दिया हुआ था हमको, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, x है, एंगल सी की वैल्यू भी x है, यानी 130 डिग्री, ठीक है। 2x is equal to 130 डिग्री, x की वैल्यू कितनी होगी, 2 उधर चला जाएगा डिवाइड के लिए, 130 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 65 डिग्री, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब कह रहा है इसके सारे एंगल्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो सारा कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए हमको मिल चुका है 65 डिग्री प्लस एंगल बी हमको निकालना है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब माइनस कर लो भाई, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 115, यानी एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई, 115 डिग्री हो गया। आसान आसान है क्वेश्चन, कॉपी कर लो।
Now question number 6. Question number 6 में दिया हुआ है perimeter of a parallelogram. सबसे पहले दिया हुआ है perimeter. So ratio of the adjacent sides are given 5:3 and the perimeter of the parallelogram is given 64 cm. So find its length and breadth. ठीक है, मतलब इसकी दोनों अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड्स की हमको निकालनी पड़ेगी वैल्यू. तो अब अगर एक चीज हम ध्यान से देखें, मैंने क्या कहा था, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं कि जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो. ठीक है, ये अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, इसको मैंने नेम दे दिया ए बी सी डी. तो अब एक चीज तुमने पढ़ी होगी अपने क्लास 7th में, प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है. ठीक है, तो अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो इसका मतलब है कि ए डी और बी सी की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी. ठीक है, वहीं ए डी और बी सी अगर पैरेलल है तो उनके बीच में ए बी और डी सी की डिस्टेंस भी इक्वल होगी. यानी हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी अपोजिट साइड्स जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, जैसे रेक्टेंगल में होती है. तो हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मान लेते हैं ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये ब्रेड्थ है. हमने क्या पढ़ा हुआ है पेरीमीटर का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो सम ऑफ ऑल साइड करोगे तो क्या आएगा, एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी, यानी ये हो गया 2l प्लस 2b. 2 कॉमन रख लिया, ये आ गया हमारा 2l प्लस बी. यानी हमको कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है पेरीमीटर के लिए, वही रेक्टेंगल वाला, 2 इन द ब्रैकेट l प्लस बी. ठीक है, तो अब यहां दिया हुआ है कि इनका जो रेशियो दिया है वो 5:3 है. मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि कभी भी रेशियो जो होता है कंप्लीट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन होता है जिसको हटा दिया जाता है. ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, लेट द कॉमन पोर्शन, इसका कॉमन पोर्शन हो गया x. ठीक है, अगर इसका कॉमन पोर्शन x है तो इसका नया रेशियो क्या बना, न्यू रेशियो इसका आ गया 5x रेशियो 3x. 5x और 3x मैंने ले लिया. अच्छा ठीक है, 5x और 3x ले लिया. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम. मेरा सिंबल भी काफी है पैरेललोग्राम के लिए. मैंने फॉर्मूला क्या बताया, 2l प्लस बी. लेंथ कितनी हो गई 5x और ब्रेथ कितनी हो गई, मान लेते हैं l इज इक्वल टू 5x और ब्रेथ इज इक्वल टू 3x. ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो भाई, 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट 5x प्लस 3x. ठीक है, दोनों लाइक टर्म है, दोनों जुड़ सकते हैं आपस में, जोड़ दो. 64 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद 8x. ठीक है, अब 8 और 2 क्या करना है, x के साथ मल्टीप्लाई, यानी 16 हो गया. यानी 64 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16x. तो यहां पर मैं साइड में कर रहा हूं उसको, तो यानी 64 इज इक्वल टू 16x. तो x इज इक्वल टू हो सकता है 64 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 16 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा. यानी कि x इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 16, 16 4 जा 64. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर. तो 5x इज इक्वल टू 5 × 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर. 4x इज इक्वल टू नॉट 4x 3x दिया हुआ है, सॉरी 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड विद 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर. ये आ गया हमारा इसका साइड, यानी 5x की वैल्यू हमको मिल गई है यहाँ 20 सेंटीमीटर और 3x की वैल्यू मिल गई है हमको 12 सेंटीमीटर. अब इसको नोट डाउन तो कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. इसमें कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर. ठीक है, अब पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मैंने बताया है 2l प्लस बी, यानी ये अप्लाई करेंगे. ठीक है, द वन ऑफ इट्स साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 10 सेंटीमीटर. कह रहा है कि इसकी एक साइड जो है दूसरी वाली से 10 सेंटीमीटर अधिक है. ठीक है, तो सबकी हमको लेंथ पता करनी है भाई. ठीक है,
पैरेललोग्राम बना लो, पैरेललोग्राम बन गया। अब कह रहा है ये ए बी सी डी नाम दे दिया, तो ये कह रहा है एक साइड दूसरे वाले से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो मान लेते हैं कि यही छोटी वाली है बड़ी वाली साइड है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि पहले छोटी वाली पता रहेगी तब तो हम बड़ी वाली निकाले। तो अब क्या करना है, लेट द स्मॉलर साइड साइड बी एक्स, तो स्मॉलर साइड हमने मान ली कि ये एक्स है, ठीक है। अब कह रहा है इसी के अकॉर्डिंग द लार्जर साइड, अब लार्जर साइड कितनी बड़ी है पहली वाली से 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी x प्लस 10 सेंटीमीटर, यहां भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, x प्लस 10 सेंटीमीटर। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर, अब लिख दो भैया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर, या क्या 2 इन द ब्रैकेट, लेंथ कितना है x प्लस 10 और ये ब्रेड्थ कितनी है x है, ठीक है। ये दोनों कॉमन है, दोनों मतलब लाइक टर्म है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, यानी 140 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये हो गया 2x प्लस 10, ठीक है। तो ये डिवाइड करते ही आ गया 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर या 10 क्या कर ऐड कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा माइनस करेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2x, क्या कर लेता हूं क्वेश्चन को, तो ये आ जाएगा मेरा 2x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर। ये हमें x का मिल गया, यानी शॉर्टर साइड हमको मिल गई। अब हमें लॉन्गर साइड निकालनी है, तो लॉन्गर साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्गर साइड द स्मॉलर साइड से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो यानी हम ये क्या करेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये हो गया 40 सेंटीमीटर, यानी x प्लस 10 हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर का और x हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर का, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको कॉपी कर सकते हो तुम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ प्रूफ करने को दिया गया है। अब क्या प्रूफ करने को दिया गया, पहले पढ़ लेते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर, एडजेसेंट मतलब साथ लगे हुए फिगर को, तो ये ए बी सी डी हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या होता है उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है इफ बी एम एंड डी एन, ये जो बी एम है और ये डी एन है, ये क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से पॉइंट बी से और पॉइंट डी से, एक लाइन आ रही है जो कि एसी पर 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है और कह रहा है, पूछ रहा है कि प्रूफ करिए बीएमसी। अब बीएमसी कौन सा ट्रायंगल हो गया, मैं समझा देता हूं दूसरे से, ये देख रहा होगा सबको, ये हो गया हमारा बीएमसी, ये ब्लू से ब्लैक हो गया, सॉरी ब्लैक से ब्लू हो गया, और ये डीएनए, इन दोनों को ही हमको प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, कहा गया ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ठीक है। और कह रहा है क्या ये भी हो सकता है कि बीएम इज इक्वल टू डीएन, ये जो डीएम है डीएन है वो बीएम के बराबर हो जाएगा, प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो अब हमको टू प्रूफ, मतलब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में अगर देखेंगे तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल बी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एन ए। तो अब तो प्रूफ सबने कॉन्ग्रुएंसी क्लास 7th में पढ़ी होगी, ये तो आसान होगा सबके लिए। तो हम लिखेंगे प्रूविंग, प्रूविंग में हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल
डी एन ए। अब तीन चीजें खोजो भैया, कौन कौन सी हैं? तो मैंने अभी कहा रेक्टेंगल है, यानी इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब और क्या इक्वल है? अच्छा एक और चीज है कि अगर उसके अपोजिट लाइंस पैरेलल होंगी तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और जहां कहीं भी ये पैरेलल लाइन आती है और कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइंस को, तो उसके अपोजिट एंगल ही, देख रहे हो ना ये, यानी ये कहें कि जहां कहीं भी जेड बनेगा पैरेलल लाइन में तो ये दोनों एंगल जो होंगे आपस में इक्वल है। अब चेक करो कहीं जेड बन रहा है, बन रहा है भाई, डी ए सी बी ये बना ना जेड ऐसे, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि डी ए एन इज इक्वल टू बी सी एम, ठीक है। अब इसको इरेज कर दो जिसे समझ में आ जाए, ये हो जाएगा एंगल डी ए एन इज इक्वल टू एंगल बी सी एम। अब क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहां से हुए? क्योंकि डी ए इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एंड अब कोई लाइन उसको कट करनी चाहिए ना, तो ये होगा ए सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ए सी उसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक। अब देखो एक तीसरा भी खोजना होगा अब, ठीक है ना, हमको एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, अब एक एंगल या एक साइड हम खोज लेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर देंगे। तो अब जैसे ये दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री, यानी तीसरा वाला हमको मिल गया, आसान हो गया हमारे लिए, यानी कि एंगल डी एन ए इज इक्वल टू एंगल बी एम सी, क्यों है? कॉज ऑफ 90 डिग्री, यहां लिख दो भैया, पहले ही गिवन दे दिया है, गिवन है। अब कह रहा है एंगल, एंगल साइड एंगल से हो गया ये प्रूफ, ये हमारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि ट्राइंगल बी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एन ए, हो गया ना कॉन्ग्रुएंट। अब देखो जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, यानी उसके सारे पार्ट एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। अब यहां लिख दो बाई क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि उसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे, सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो सारे साइड्स में एक तो ये डीएन और बीसी एम सॉरी बीएम भी आता है, यानी कि डीएन और बीएम जो होंगे आपस में अब इक्वल होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं कि डीएन इज इक्वल टू बीएम, क्यों होगा? बाई सी पी सी टी, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमारा प्रूविंग हो गया, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल क्या है अभी बताता हूं, बहुत आसान हो जाएगा ये। इसमें कह रहा है इन द एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड लाइन सेगमेंट ए ई, ये जो ए ई है और सी एफ जो है ये एंगल ए और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और कह रहा है हमें शो करना है ए ई इज इक्वल टू सॉरी ए ई इज पैरेलल टू सी एफ, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब उनके बीच के डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल रहेगी, यानी हमें प्रूफ करना है कि AF is equal to EC। अगर ये प्रूफ हो गया तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो पहले का क्या काम करते हैं, इन दो ट्राइंगल्स को हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए तो हो जाएगा हमारा। तो अब देखो, यानी हमको सबसे पहले प्रूविंग क्या करनी है, ये ट्राइंगल ADE और FBC हमको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां हम लिखेंगे टू प्रूव, टू प्रूव में हम क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्रायंगल एफबीसी, ठीक है। तो अब देखो कौन सी तीन चीजें बराबर हो सकती हैं इसमें। तो अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी, यानी कि डी ए इज इक्वल टू बी सी। देखो सॉरी नॉट एंगल, डी ए लाइन इज इक्वल टू बी सी, यहां लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्योंकि यहां लिखना जरूरी है, क्योंकि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी डी और बी भी इक्वल है, यानी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। यहां भी वही लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब एक चीज और देखनी है कि ठीक है कि अगर बी और डी इक्वल है तो यहाँ ए और सी भी तो इक्वल होगा, एंगल ए और सी भी इक्वल होगा, लेकिन ये कह रहा है कि ए एंड सी एफ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड सी। एंगल ए और सी का बाइसेक्टर क्या है, एंगल ए क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, और सी एफ जो है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी हम ये लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पे अपोजिट ही होगा। तो अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है तो इसका हाफ एंगल भी सेम होगा, यानी कि हाफ ऑफ द एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल सी, ठीक है। ये हो गया अब इक्वल। अब तीन चीजें हमको मिल गई, साइड मिल गया, एंगल मिल गया, एंगल मिल गया, यानी ये प्रूव हो गया कि ये कांग्रुएंट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ बी सी। अच्छा ठीक है, ये तो कांग्रुएंट हो गया, कैसे हुआ, बाय क्राइटेरिया ए एस ए, ठीक है ना। अब ये हो गया तो हम ये कह सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। एफ बी इज इक्वल टू डी ई, यानी एफ बी इज इक्वल टू डी ई, कैसे हो गया, बाई सी पी सी टी, ठीक है। अच्छा ये तो प्रूफ कर लिए तुमने प्रूफ कर लिया, तो अब ठीक है एक चीज और देख लो कि ए बी और डी सी भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के अपोजिट साइड्स हैं। तो ये हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब ये हो गया तो हमको इसको नाम दे देना चाहिए इक्वेशन सेकंड। यहां ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट एफ बी इज इक्वल टू डी। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दो, ठीक है। तो यहां लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड वाला क्या कर रहा है, ए बी है, ए बी में से माइनस करेंगे एफ बी को, ठीक है ना, क्योंकि एफ बी आ गया एफ बी इक्वल टू डी। ए बी में से माइनस किया एफ बी को, वहीं सी डी में से माइनस किया हमने डी ई को, सी डी में से माइनस किया हमने डी ई को, ठीक है। तो अगर इसको माइनस करोगे ए बी में से एफ बी माइनस करो, क्या बचा, ए एफ बचा, ए एफ हमारा निकल गया, ठीक है। और सी डी में से अगर डी ई को माइनस किया गया तो ई सी आया। अब मैंने क्या कहा था, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ए एफ इज इक्वल टू ई सी होगा तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री, तो यहां लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ए ई इज पैरेलल टू एफ सी। एक प्रूफ करना था ए इज इक्वल टू सी एफ या एफ सी, आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ए इज पैरेलल टू एफ सी, ये प्रूव हो गया, इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहां दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले ही बताया था स्टार्ट में ही कि रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। अब कैसा पैरेललोग्राम है, मैंने आपने फिगर देखा होगा तो मैंने कुछ ऐसा फिगर बनाया था, ऐसा फिगर बनाया था,
ये याद रखना है कि इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल और पैरेलल होती हैं। भाई अब ये वाली इसके नहीं पैरेलल हो जाएगी, आमने सामने वाले के पैरेलल होगी, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। नाम दे दो कोई, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसके दोनों डायगोनल जो है एक 16 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है। मैंने क्या कहा कि इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक चीज अब कह रहा है कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करो। तो अगर एक चीज देखें, ये एक पोर्शन इसका निकाल लें, एक पोर्शन जहां मैंने 90 डिग्री का सिंबल बनाया है, यानी सी, ये मान लेते ओ सी ओ बी, ये क्या हो गया, ये एक वो राइट एंगल ट्राइंगल बना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो होगा 90 डिग्री और ये जो होगा इसका हाइपोटेनस, ये इसका बेस हो गया, ये इसका हाइट हो गया, ठीक है भाई। अब तो आसान हो गया ना कि बेस और हाइट निकाल लो और उसके बाद हाइपोटेनस आराम से मिल जाएगा। तो अब देखो, लेकिन हमको मिलना कैसे है, ये मानते हैं कि ए सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है, AC is equal to 16, तो मुझे क्या लेना है, OC लेना है। तो OC क्या होगा, OC is equal to half of the AC। मैंने क्या कहा कि diagonals उसके एक दूसरे को 90 डिग्री पे bisect कर देते हैं, यानी दो equal parts में divide कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि OC is equal to OA, या फिर कह सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो OA भी लिख दो, OA is equal to OC is equal to half AC, ठीक है। तो OC की वैल्यू हमको मिल जाएगी, OC इज इक्वल टू 1/2 इनटू 16 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी अब तो ये आ गया ना 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी साइड OB निकालनी पड़ेगी हमको, तो वही चीज आएगी, OD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू, पहले इसको नहीं लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं कि DB की वैल्यू कितनी दी हुई है, DB की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा OD is equal to OB is equal to half DB या BD, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो OB की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/2 into 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब ये भी मिल गया हमको 6 सेंटीमीटर, अब हमको इसकी निकालनी है। तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। इसका हाइपोटेनस क्या होगा, cb का स्क्वायर, cb का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, ob का स्क्वायर प्लस oc का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि जगह कम है थोड़ी। तो cb तो ठीक है, cb का cb ही लिख दो, cb इज इक्वल टू रूट, अब रूट लगा दो उसकी जगह पे। अब ob की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है और 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया cb इज इक्वल टू 6 यानी कि 36 प्लस 8 यानी कि 64, यानी cb की वैल्यू कितनी हो गई, 100, अंडर रूट में 100। तो अब 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि CB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर CB हमको 10 सेंटीमीटर मिल गया तो इसकी चारों साइड्स हमको 10 सेंटीमीटर ही मिलेंगी, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसकी प्रॉपर्टीज को याद रखना, क्योंकि अगर हमको डायगोनल की प्रॉपर्टीज नहीं याद रहेंगी कि उसके रोम्बस की प्रॉपर्टीज अगर नहीं याद रहेंगी तो हम नहीं कर पाएंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स उसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये याद रखने वाली बात है, ये याद कर लो, और बाकी तो आप लोग कॉपी कर लो इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए स्क्वायर, एबीसीडी एक स्क्वायर है, स्क्वायर की खासियत क्या होती है, तो उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और उसकी अपोजिट साइड्स और साइड्स सिमिलर होंगी, उसकी साइड्स सेम होंगी, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर का तो सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर की, मैंने एक अज्यूम किया है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और पूछा है कि CAD की वैल्यू बताओ, यानी CAD यानी इस एंगल की वैल्यू हमको पता करनी है, ठीक है। तो अब आसान तरीका हम तुमको समझाते हैं कि
आधा फिगर मिटा दो, आधा फिगर मिटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये ऐसा कुछ मिल जाएगा, यानी डी सी ए हमें मिल गया, और ये दिया है हमारा, हमें पता है कि इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं, सारे साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना। आइसोसेलेस ट्राइंगल की खासियत क्या होती है कि उसके दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल्स उनसे बनने वाले तीसरी साइड पर, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब कहते हैं कि लेट द इक्वल एंगल्स बी एक्स, अगर इसके इक्वल एंगल को एक्स मान ले तब, तो अब लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल डी सी ए, डी सी ए में जाएंगे तो एंगल डी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा भाई, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया। अब देखो डी सी ए और डी ए सी दोनों की वैल्यू क्या है, अब एक्स है, और डी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 ऐड कर रहा है उधर जाकर डिवाइड कर, सॉरी माइनस कर लेगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब जिसका चाहे उसका पूछे, अब हमको निकालने किसने दिया था, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 45 डिग्री, यही फाइंड आउट करना था ना, तो आसान हो गया ना हमारे लिए, फट से निकल गया, ठीक है, इसको कॉपी कर लो तुम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, दिमाग ना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 क्यों नहीं कराया, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो 6 का ही सेम है, वो आप लोग अपने से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को आइडेंटिफाई करना है, उनके फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कह रहा है कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होती हैं। अच्छा, हमने कितने तरह के पैरेललोग्राम देखे थे, मैंने देखा था, मैंने बताया था रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। तो अब देखो रोम्बस की भी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी साइड्स इक्वल होती हैं, केवल एक वही बच रहा है रेक्टेंगल जिसकी साइड्स अनइक्वल होती हैं, मतलब उसकी अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड्स, अगर देखा जाए ये है रेक्टेंगल तो इसकी एडजेसेंट साइड ये इसकी पड़ोसी साइड हुई, तो ये क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, उसके डायगोनल भी इक्वल है, तो भाई कौन सा ऐसा है जिसमें डायगोनल, क्योंकि अभी तो मैंने रोम्बस पढ़ाया जिसमें डायगोनल क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और अलग अलग दिए हुए हैं, तो जब ये इक्वल होगा यानी कि इसकी साइड्स भी इक्वल है, ठीक है, साइड्स भी इक्वल है, तो साइड्स इक्वल यानी कि अब ये चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल है और उसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये क्या हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो द डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी उसकी एडजेसेंट साइड्स जो है उसकी इक्वल है, तो अब कौन सा है जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो दो है, एक रेक्टेंगल है और एक रोम्बस है, लेकिन उसमें डायगोनल किसमें, देखो यहां दिया हुआ डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, क्या क्या दिया है, डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड एडजेसेंट साइड आर इक्वल, एडजेसेंट साइड इक्वल किसमें है, रोम्बस और स्क्वायर में, तो भाई ये रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, लेकिन अभी हमने किया कि डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए तो वो स्क्वायर होगा, और डायगोनल अलग हो गया तो क्या हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगला, ऑल द साइड्स आर इक्वल, जितनी भी साइड्स हैं सब इक्वल हैं और एंगल जो है 60 डिग्री है, अब वो कौन सा पैरेललोग्राम है भाई जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो सारी साइड इक्वल वाले में कौन सा आता है, स्क्वायर आता है, रोम्बस आता है, स्क्वायर में तो सब 90 डिग्री का होता है, तो इसमें क्या है 60 डिग्री है, यानी ये भी रोम्बस हो गया,
अब देखो ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। कौन सा ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है? स्क्वायर है, रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, वो सब 90 डिग्री का होता है, यानी ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगला है नेक्स्ट, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट क्या होता है, अनइक्वल होता है। ये तो पॉसिबिलिटी दो ही में आ रही है ना, कि सारे साइड इक्वल होंगे, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, लेकिन स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें क्या है, अनइक्वल है, यानी ये क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया। और ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया अब, और अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, जो आप लोग अपने से करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो।